मित्रों, महाभारत में एक से बढ़कर एक महान योद्धा थे। बर्बर एक भी महायोद्धा थे, लेकिन आप सब जानते ही हैं कि उनको युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा का युद्ध कौशल भी बहुत श्रेष्ठ था, लेकिन उसकी महानता और योग्यता उसी क्षण समाप्त हो गई जब उसने धोखे से सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया। दोस्तों, इन सब के अलावा महाभारत में से एक ऐसा महावीर जो कि उभर कर आता है, वो है सूर्य पुत्र कर्ण। आज भी ये समझा जाता है कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर गलत किया, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि कर्ण महारथी था और वो भी योग्यता के सर्वोत्तम शिखर पर था। दोस्तों, दानवीर कर्ण की योग्यता को स्वीकारना और उसे सराहना हमारे लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी इसे स्वीकार किया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ और किस प्रकार से हुआ, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इससे जुड़ा एक महाभारत प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो समय आ गया था जब कर्ण और अर्जुन के रथ एक दूसरे के सामने खड़े थे। इस समय अर्जुन ने जब प्रथम बाण मारा तो कर्ण का रथ 9 पग पीछे चला गया और फिर इसके उत्तर में जब कर्ण ने बाण चलाया तो अर्जुन का रथ 3 पग पीछे गया। इस समय श्री कृष्ण बोल पड़े, धन्य हो कर्ण, तुम श्रेष्ठ हो। इतना सुनते ही अर्जुन विचार में पड़ गए और श्री कृष्ण से पूछ बैठे कि मेरे एक बाण से कर्ण का रथ 9 पग पीछे गया और कर्ण के बाण से मेरा रथ केवल 3 पग पीछे गया, फिर भी कर्ण मुझसे श्रेष्ठ कैसे हुआ। इस पर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे रथ को मैं यानी कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी चला रहा हूँ। इस रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने भूमि से जकड़ रखा है। रथ की ध्वजा पर महाबली हनुमान विराजमान है। तो हे पार्थ, तुम ही सोचो, ऐसी स्थिति में भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को 3 पग पीछे भेज दिया, जबकि कर्ण तो तुम्हारे सामने बिल्कुल अकेला खड़ा है। तो कुछ ऐसे श्री कृष्ण ने भी सूर्यपुत्र कर्ण की शक्ति को स्वीकारा, उसके युद्ध कौशल और क्षमता को अर्जुन के साथ साथ हमें भी समझाया। दोस्तों, इससे एक और बात भी स्पष्ट होती है कि कभी अपने प्रतिस्पर्धी को अपने से कम ना समझे। तो दोस्तों, ये था महाभारत का एक और अनसुना प्रसंग। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।